आज हम एक्सेस 125 स्कूटर का बेल्ट चेंज करने वाले, तो चलिए देखते हैं। एंड इसमें जो टूल्स हमें लगने वाले हैं इम्पोर्टेंट टूल्स, तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट हमें स्कूटर का क्लच कवर खोलना है, एंड उसके लिए 8 नंबर का स्पैनर्स लगेगा हमें। तो 8 नंबर के स्पैनर से ये सारे बोल्ट्स हमें ओपन करने हैं, तो ये भी खोलना है एंड ये भी, एंड ये दो भी खोलने हैं फिल्टर के। इस तरीके से हमें ओपन करना है, तो चलिए ओपन करते हैं। सारे बोल्ट्स ओपन कर लेते हैं एंड सारे 8 नंबर के बोल्ट्स ओपन होने के बाद हमें सारे 8 नंबर के बोल्ट ओपन होने के बाद हमें सिंपली 10 नंबर के टी स्पैनर से फिल्टर के 2 10 नंबर के बोल्ट्स ओपन करने एंड फिर क्लच कवर को निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो सिंपली अभी हमने 2 बोल्ट्स ओपन कर दिए एंड सिंपली अभी क्लच कवर का फिल्टर खोलने एंड इसे क्लीन कर कर फिर लगाते वक्त लगाने। तो सिंपली अभी हमें किक नीचे प्रेस करनी है एंड क्लच कवर बाहर आ जाएगा इजीली। तो इस तरीके से हमें क्लच कवर निकालना है आसानी से एंड वाई पुलर के मदद से हमें आगे का FMD प्लेट के आगे का फैन प्लेट ओपन करनी है 17 नंबर के बॉक्स पाने से। तो चलिए करते हैं। वाई पुलर फसन है प्रॉपरली एंड 17 नंबर के स्पैनर से बोल्ट ओपन करना है, ईजीली ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ओपन करना है, हमें सिंपली बोल्ट को निकालना है एंड उसका लॉक वाइसर एंड लॉक वाइसर को भी निकालना है, इस तरीके से रखना है एंड सिंपली फैन बाहर आ जाएगा फैन प्लेट, तो उसे निकालना है एंड सेम स्टेप पीछे भी हमें करनी है। सिंपली पीछे की क्लच पुली ओपन करनी है और उसे भी वाई पुलर की मदद से ओपन करना है इसमें फंसा कर। तो सिंपली ऐसे फंसा लें एंड 17 नंबर के बॉक्स पाने से इसे ओपन कर लें ईजीली वैसे सेम स्टेप्स। तो ऐसे इसका नट और वाइसर हमें निकाल लेना है एंड फिर क्लच ड्रम बाहर आ जाएगा इजीली। तो इस तरीके से ओपन करना एंड क्लच पुली को बैक पोर्शन से थोड़ा प्रेस करना है ओपन करते वक्त, वरना वो निकलेगी नहीं। तो ऐसे बैक पोर्शन को प्रेस करके इजीली निकाल लेना है, तो क्लच पुली हमारे बाहर आ जाएगी। तो इसे लगाते वक्त थोड़ा ग्रीसिंग करके देख सकते हो बेल्ट हमने निकाल लिया है एंड बेल्ट की हालत बहुत ख़राब है, तो इसे रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है। तो इसे हम रिप्लेस करवा देंगे, इसकी वजह से हमारी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी एंड लोड ले रही थी। तो चलिए करते हैं। एंड आगे के FMD प्लेट भी हमें निकालनी है सिंपली, तो दिखाते हैं आपको। इस तरीके से आपको थोड़ा प्रेस करके FMD प्लेट को निकाल लेना है एंड सिंपली निकाल कर उसे क्लीनिंग कर कर थोड़ा ग्रीसिंग करके फिर से लगा देना है और बुश उसके कभी गए हो गए तो डाल देना है। हमें इस तरीके से बेल्ट को लगा लेना है एंड आगे की फैन प्लेट लगानी है सिंपली एंड उसका लॉक वाइसर लगा कर नॉर्मल वाला वाइसर लगा कर उसका बोल्ट लगा देना एंड उसको फुल टाइट कर देना है वाई पुलर की मदद से। एंड FMD प्लेट टाइट होने के बाद सिंपली हमें
सिंपली हमें क्लच पुली को इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स क्लच पुली लगा थे, क्लच पुली को पहले क्लीन कीजिए अच्छे से एंड उसके बेयरिंग्स में थोड़ा ग्रीस लगाइए एंड अगेन उसको लगाइए। तो सिंपली बेल्ट को क्लच पुली में फंसाने एंड सेम स्टेप से पहले हमने जैसे पीछे प्रेस किया था बैक पोर्शन को क्लच पुली को, वैसे बैक पोर्शन को थोड़ा प्रेस कीजिए एंड इजीली वो बैठ जाएगी। उसे प्रेस करके बिठाइए, आसानी से वो बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लच पुली को आसानी से बैठा सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, तो इसको प्रॉपरली बिठाना है तो ये बैठ गया एंड अभी हमें क्लच ड्रम लगाना है। तो सबसे पहले उसको क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा उसे क्लीनिंग करके सिंपली क्लच ड्रम लगा लिया हमने एंड उसका वाइसर और बोल्ट भी लगा रहे हैं। बोल्ट को फुल टाइट करने आएगा सेम स्टेप से, क्लच वाई पुलर लगा कर उसे फुल टाइट कर देना है एंड हमारा काम खत्म। चेक कीजिए एक बार एंड फिर उसे फुल टाइट। इसके बाद सिंपली हमें क्लच कवर लगा लेना है जैसे हमने ओपन किया था साइड के बोल्ट्स 8mm के खोल के, तो उसे टाइट कर देना है बस सिंपली। सुजुकी एक्सेस स्कूटर का हमने बेल्ट चेंज किया, तो इस स्टेप से आप बेल्ट चेंज कर सकते हो एट होम। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप नए हो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ऐसे बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो।